श्री शिवाय नमस्तु। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग, शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए, उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए, उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। ये बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर। लक्ष्मी जी ने भोलेनाथ जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, देवाधिदेव महादेव, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया है, आप जो कहें मैं सेवा करने को तैयार हूँ। शिव जी ने कहा, बस एक काम करो लक्ष्मी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे मंदिर की चौखट पर, दो जगह पर तू हमेशा बैठी मिलना, दो जगह, एक बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर, चौखट पर तू बैठी मिलना। और सुन लक्ष्मी, आज तूने मुझसे पूछा कि आप आज्ञा करें, मैं इतना खुश हूं कि अपना महासंबोधन, जो महादेव का महासंबोधन है, शिव कहते हैं मेरा महासंबोधन मैंने अपनी पार्वती को भी नहीं दिया, पर मैं तुझे प्रदान करता हूं, आज से तू लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहलाएगी। शंकर के पास में सुनी आकर शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर, और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है, एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उस एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर, अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। क्यों महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।